हाय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन केवीवीवाई 2018 एसएक्स पार्ट वन फिजिक्स पेपर. द क्वेश्चन इज फेयरली सिंपल. इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन द रिलेशन बिटवीन द इंटरनल एनर्जी प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एडियाबैट्स. दैट मीन्स द एडियाबैटिक कर्व की हमें इक्वेशन निकालनी है. राइट, अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन, अ प्रोसीजरल वन. प्यार से चलते चले जाएंगे, नॉर्मल थर्मो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, वी विल गेट द आंसर. राइट नाउ, सो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज दैट डी क्यू इन एनी प्रोसेस, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू. करेक्ट. नाउ फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस वी नो दैट देर इज नो हीट एक्सचेंज. राइट, एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता है. Which means du is equals to minus dw because we can put dq is equals to zero. ठीक है, तो dq को हमने zero किया, तो फिर du की value minus dw आ जाएगी for adiabatic process. ठीक है, AB मतलब adiabatic process. ठीक है, AB process मतलब adiabatic process. ठीक है, अब du की value कैसे निकाली जाए? बहुत सिंपल है, हमारे को ये equation given है. ठीक है, तो u की value given है 5 PV by 2 plus C. Correct. तो यहां से अगर अपन DU निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 by 2 PV को differentiate करेंगे तो DP. ठीक है, plus ये VDP आएगा. PV को differentiate करेंगे तो VDP plus PDV. ठीक है, product rule लगा के we have differentiated. ठीक है, so we can put this value over here. इस वाली इक्वेशन में du की वैल्यू वी कैन सब्स्टिट्यूट. वी ऑलरेडी नो दैट dw को वी कैन राइट pdv. ठीक है, dw को वी कैन राइट pdv. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ du इन दिस इक्वेशन एंड dw को आई एम गोइंग टू राइट माइनस pdv, माइनस dw को आई एम गोइंग टू राइट माइनस pdv. सो व्हाट डू वी गेट? 5 by 2 vdp plus 5 by 2 pdv is equals to minus pdv. Right. So, यहां से we gets 5 by 2 VDP is equals to minus 7 by 2 PDV. ठीक है, by 2 will be gone. So, we can integrate this. Next slide में integrate कर लेते हैं. DP by P is equals to minus 7 by 5 DV by V. ठीक है, so DP by P is equals to minus 7 by 5 DV by V. ठीक है, तो वैसे तो अगर तुम को पता समझ में आ रहा हो तो यही गामा का काम कर रहा है. मतलब बेसिकली दिस इज एक्टिंग एज अ गामा. अगर तुम्हें पता हो, वी नो दैट एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन इस टाइप की रहती है. करेक्ट, तो इफ यू डिफरेंशिएट दिस, सो बेसिकली इसको अगर अपन डिफरेंशिएट करें तो ln, पहले लॉग ले लेते हैं, तो ln p प्लस गामा ln v की वैल्यू कॉन्स्टेंट आ जाएगी. ठीक है, सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dp अपॉन p प्लस गामा डी वी बाई बी की वैल्यू जीरो. राइट, सो फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट डी पी बाई पी इज इक्वल्स टू माइनस गामा डी वी बाई बी. तो गामा की वैल्यू यहाँ से 7 बाई 5 आ रही है. दैट मीन्स इफ यू कैन कंपेयर दिस, तो पी वी की पावर गामा कॉन्स्टेंट, तो यानी कि पी वी की पावर 7 बाई 5 कॉन्स्टेंट. करेक्ट, तो अब इफ यू गो बैक टू ऑप्शन, तो ऑप्शन ए मैचेस बिकॉज इसकी अगर अपन 5 पावर ले लें तो दिस विल बिकम पी की पावर 5 इंटू पी की पावर 7 कॉन्स्टेंट. करेक्ट, तो फिर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, अच्छा, वी कुड हैव आल्सो इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग दिस, वी कुड हैव आल्सो गॉन बाय द इंटीग्रल मेथड, तो उसको इंटीग्रेट भी कर सकते थे, देन आल्सो वी वुड हैव गॉटन द सेम आंसर. ठीक है, जैसे इसको अगर अपन इंटीग्रेट करें तो ये क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ से अपन बोल सकते हैं कुछ पी नॉट से पी तक इंटीग्रेट कर दिया एंड इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट से वी तक इंटीग्रेट कर दिया. सो दिस विल बी एल एन ऑफ पी बाई पी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 7 बाई 5. ठीक है, एल एन ऑफ वी बाई वी नॉट. करेक्ट, तो यू कैन टेक दिस ऑन द लेफ्ट साइड. ठीक है, इसको इनफैक्ट 5 से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड पे लेके जा सकते हैं. ठीक है, तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 5 एल एन P upon P naught, ठीक है, minus 7 ln of V by V naught. We know that जो power है, मतलब log की property use करके
अपन इसको पावर कैसे लिख सकते हैं, पी अपॉन पी नॉट की पावर 5, ठीक है, एल एन इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ वी बाई वी नॉट की पावर -7, करेक्ट। एल एन विल बी कैंसल्ड, सो फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट पी की पावर 5 इंटू वी की पावर 7 दैट विल बी इज इक्वल्स टू पी नॉट की पावर 5 अपॉन या इंटू वी नॉट की पावर 7, करेक्ट। So this we know is constant. P naught will be some initial pressure. V naught will be some initial volume. So from here we can say that P ki power 5 into V ki power 7 is a constant. Okay. So basically the idea is that you could have integrated from here or you could have, if you remember this, basically idea kya hoga ki ye cheez hame yaad rehti hai kyunki ye kai jagah aata hai in thermodynamics as well as in sound waves bhi. Jab apan sound wave साउंड की वेलोसिटी अपन गैसियस मीडियम में निकालते हैं यूजिंग लैपलेस इक्वेशन, तो भी वहां पे भी जो है इस टाइप की चीज आती है। तो मोस्टली यू वुड हैव सीन दिस टाइप ऑफ सिनेरियो लॉट ऑफ टाइम्स। तो ये उसी टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार हुआ था, हेंस वी कुड हैव डायरेक्टली कंपेयर्ड या वी कुड हैव फिगर्ड आउट कि ये गामा का काम कर रहा है, 7/5 ये गामा का काम कर रहा है। सो दैट इज वन वे टू डू दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड एंड अप्रिशिएटेड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।